हेलो, मेरा नाम है साक्षी गुप्ता। हम जैसे बात कर रहे हैं कंज्यूमर डे के ऊपर, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसका सीधे सीधे मकसद होता है, जो उपभोक्ता होते हैं यानी कंज्यूमर होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उनके सामने आने वाली जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए इस दिन को मनाया जाता है, जिससे वो लोग इसके प्रति जागरूक हों, अवेयरनेस फैले और वो अपनी चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकें। अब अगर देखा जाए तो ग्लोबली इंटरनेशनल तौर पर इसे मनाया जाता है, तो इसके लिए जो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस ने इसे अप्लाई करा था 40 साल पहले करीब, और 15 मार्च की तारीख रखी थी इसे वर्ल्ड कंज्यूमर डे के तौर पर मनाने के लिए। इसी हफ्ते को यानी मंडे 13 मार्च से लेकर फ्राइडे तक पूरा इसे वर्ल्ड कंज्यूमर डे के लिए कई सारी मुहिम चलाई जा रही हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके तहत बिजनेस टाइकून जो भी हैं या गवर्नमेंट है या जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड संस्थाएँ हैं वो आपस में मिलकर एक साथ आते हैं और इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं कि हम अपने उपभोक्ताओं को कैसे सहूलियत प्रदान कर सके।